सबसे पहले सभी सुहागन स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सर्गी खाने का नियम है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दिन व्रत किया जाता है और संध्या के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद सभी व्रतधारी स्त्रियां अपनी सासू जी अथवा ससुर जी के लिए बायना निकालती हैं। यदि आपके सास अथवा ससुर नहीं हैं, तो किसी बुजुर्ग अथवा ब्राह्मणी को बायना दिया जाता है। रात को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देकर भोजन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भले ही करवा चौथ की पूजा करने के तरीके होता है इसके पूजा करने से। मेरा नाम है अंजलि। हम अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? हमारी शादी के 16 साल हो गए। हम 16 साल से ये व्रत करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी क्या कि सात भाई थी, एक बहन थी और उसने व्रत का वो किया, उल्लंघन किया, तो उसका पति मर गया। फिर उसने इस व्रत को किया तो उसका पति वापस से जिंदा हो गया। तो इसलिए जैसे उसका पति जिंदा हुआ वैसे ही सब पति हमेशा सब पत्नी सुहागन रहें और हमेशा इस व्रत को करती रहें। ये क्या कर रही हैं आप और इस पूजा करने से क्या फल मिलता है? मेरा नाम मनीषा है। हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करते हैं और ये पूजा हम 9 साल से कर रहे हैं। कहाँ घर है आपका? रायबरेली में, छोटी बाजार रायबरेली। ना था वो घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य भाइयों बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी कोई खरी खोटी सुना रही थी। वो दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो अपने टीके में थोड़ा बहुत फर्क होता है, परंतु यह व्रत सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। पंजाब में कुंवारी लड़कियां अपना इच्छित वर पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं, तथा जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वह भी इस व्रत को करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। प्राचीन समय में एक विद्वान ब्राह्मण के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। वह अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई तब वह 7 भाई बहुत उदास हो गए। अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार पाकर बहन अपने मायके रहने आई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब 7 भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उनकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई। 7 भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और चांद तो निकल ही नहीं रहा। इस पर भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जला दी और छलनी में से चांद की तरह एक नकली आकृति दिखाई और बहन को कहा, बहन बहन चांद निकल आया है, अब तुम
चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। उस नकली चांद को देखने के बाद बहन ने अपनी भाभियों को भी बुलाया कि तुम भी अर्घ दे दो, लेकिन भाभियां कहने लगी, यह चांद तो तेरे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं। ये पूजा किस लिए होती है और क्यों की जाती है? मैं सुधा गुप्ता, आज करवा का दिन है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि हम महिलाएं अपने पति को हर मुसीबत से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी ऐसी आस्था है कि इस व्रत को करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारा परिवार खुशहाल होता है। आपके साथ में कौन कौन बैठा है पूजा करने के लिए? हमारे साथ हमारी देवरानी, जिठानी और बहुए बैठी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राधिका गुप्ता है और रायबरेली के सतनाथ में मैं पूजा कर रही हूँ अपने परिवार के साथ। और कितने साल से व्रत रह रही हैं आप? जी 11 साल से हम व्रत रख रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे व्यापार के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं। और मेरा व्रत भी अच्छे से हुआ, सुबह से मेरा व्रत अच्छे से हुआ। क्या क्या पकवान बनाए आपने व्रत तोड़ने के बाद, क्या करेंगे आप? आपने व्रत रखा है 24 घंटे व्रत हैं, व्रत तोड़ने के बाद आपने घर में पकवान बनाए होंगे, आप खाएंगे, आपका परिवार खाएगा, इस विषय में बताइए। व्रत सरस्वत के व्रत में हमारे यहाँ परे बनते हैं और परे ही मेन होते हैं, तो बस परे से ही व्रत खोलेंगे, मतलब मिठाई खा के पानी पी के व्रत खोलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए, किस लिए आज आप लोग व्रत हैं, कौन कौन पूजा कर रहा है आपके साथ में? मैं नैनम गुप्ता, मेरा ये 4th वर्ष का व्रत है, मैं 4 साल से व्रत रह रही हूँ और मेरा पूरा परिवार करवा चौथ के व्रत में, मेरा पूरा परिवार बड़ी उत्साह से त्यौहार मना रहे हैं। हम लोग सुबह से व्रत हैं और अपने पति का वेट कर रहे हैं, सभी लोग आ भी गए हैं और हम लोगों ने पूजा कर ली है, बस अब चांद के दर्शन करके हम अपना व्रत खोलेंगे। और क्या क्या बना है आज व्रत ही, कल से ये बजे सोचा कि क्या बनाएंगे आप घर पे? मेरे घर में फरा बना है, सब्जी पूरी बनी है, एक कौच की सब्जी बनी है और मिठाइयाँ हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके। कौन कौन बैठा है पूजा में आपके साथ? आज मेरे साथ मेरी तीनों सासें बैठी हैं, एक जिठानी बैठी है, एक जिठानी दिल्ली में है वो भी पूजा कर रही है और आज हमने उसे बहुत मिस किया। इसलिए तुम ही अर्घ दे दो। तब बहन ने उस नकली चांद को ही अर्घ दिया और खाना खाने लगी। जैसे ही उन सातों भाइयों की बहन ने पहला निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। तब उस लड़की की माँ ने लड़की को जाते हुए कपड़े देने के लिए संदूक खोला। जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसके हाथ में सफेद कपड़ा आया। फिर उसके मन में वहम हुआ और उसने दूसरा संदूक खोला। दूसरे संदूक को खोलने पर भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। ऐसे ही उसकी माँ ने 4 संदूक खोले, चारों संदूकों में से सफेद कपड़ा ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही कपड़ा पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में सभी को नमस्कार करके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सुहागन होने की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देना। वह लड़की उस सिक्के को लेकर वहां से चली गई। रास्ते में उसने बहुत लोगों के पैर छुए परंतु किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने यही कहा कि ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, अपने भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी ननद मिली, उसने अपनी छोटी ननद के पैर छू दिए और तब उसकी ननद ने कहा, सीली हो, तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही उन सातों भाइयों की बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ
और जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ बची।